हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड मैथ्स जोन के इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त समीर और आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेमेस्टर वन के लिए BBMKU सेमेस्टर वन, जो न्यू सेशन का अभी जो एडमिशन चल ही रहा है उनके लिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से मैथमेटिकल एंड कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, ये वाला पेपर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस के आपका। तो इसमें टोटल आपको 3 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। तो फर्स्ट यूनिट है आपका एलिमेंट्री अर्थमेटिक। इसमें क्या पढ़ना है आपको, नंबर सिस्टम पढ़ना है, रैपिड मेथड ऑफ कैलकुलेशन पढ़ना है, अप्रोक्सीमेशन पढ़ना है, डेसिमलेशन पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है और प्रोपोर्शन पढ़ना है। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। यूनिट टू में बात करते हैं तो सेट पढ़ना है, सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, काइंड्स ऑफ सेट पढ़ने हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पढ़ना है, एम्प्टी सेट पढ़ना है, सिंगलटन सेट पढ़ना है, डिसजॉइंट सेट पढ़ना है, सबसेट पढ़ना है, सुपर सेट पढ़ना है, प्रॉपर सबसेट पढ़ना है, इक्वलिटी ऑफ सेट पढ़ना है, फैमिली ऑफ क्लास ऑफ सेट्स पढ़ना है, यूनिवर्सल सेट पढ़ना है, वेन डायग्राम पढ़ना है, यूनियन ऑफ सेट पढ़ना है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ना है, डिफरेंसेस ऑफ सेट पढ़ना है। तो इतने सारी चीज़ें हमको यूनिट टू में पढ़ना है। यूनिट थर्ड क्या है, यूनिट थर्ड आपका है स्टैटिक्स पढ़ना है आपको, स्टैटिक्स। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स पढ़ना है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक्स पढ़ना है, डेटा नेचर ऑफ स्टैटिक्स पढ़ना है। इस तरीके से आपको ये पूरा पढ़ना है, पूरा आपका सिलेबस है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग जो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट वन, और यूनिट वन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, नंबर सिस्टम। इसका पहला टॉपिक नंबर सिस्टम पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम पहले बात करते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग के नंबर जो है, गिनती की संख्या, उसी को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर, है ना। चेक करते इसको, ऑल्सो कॉल्ड क्या, काउंटिंग नंबर। एक मिनट, जैसे गिनती की संख्या, गिनती की जो संख्या होती है आपको, यानी काउंटिंग नंबर, उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती से मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो क्या 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सारे जो है, ये सारे क्या है आपके, ये नेचुरल नंबर है। कहाँ शुरू होता है, वन से। ठीक है, तो वन से लेकर के आप बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी तक जो नंबर्स है, जो काउंटिंग के नंबर है, वही आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, मैं देख जाऊंगा एक बार। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर विच कंटेन्स द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to infinity। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई लेटर n। इसको कैपिटल के लेटर n से इसको डिनोट किया जाता है। किसको, जो नेचुरल नंबर है उसको आपको, उसको आपको n लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल का लेटर जो n है उससे नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, इससे क्या आपके नेचुरल नंबर है। तो अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर बताओ, तो सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर हो क्या, मेरी 1 है। ठीक है, एग्जाम्पल ये सारे क्या मेरे नेचुरल नंबर्स हैं। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, होल नंबर। देखिए यहाँ समझिएगा, नेचुरल नंबर मैंने बताया आपको ये 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से।
लेकिन अगर जीरो से शुरू हो गया तो क्या हो गया, आपके टोटल क्या बोलेंगे, आपका हॉल नंबर बन गया, ये बोलेंगे हॉल नंबर। तो हॉल नंबर आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर विथ जीरो, है ना, तो क्या बोलेंगे नेचुरल नंबर विथ जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉल नंबर बोलते हैं। मतलब नेचुरल नंबर उसके साथ क्या आ गया, जीरो आ गया। नेचुरल नंबर क्या था आपको, 1, 2, 3, 4, उसमें जैसे जीरो आ गया उसके साथ वो क्या बन गया, मेरा होल नंबर बन गया। तो इसीलिए लिखा हुआ है होल नंबर आर ऑल्सो नॉन एज क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल नंबर विथ जीरो, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ समझिएगा, होल नंबर को डब्लू से रिप्रेजेंट किया जाता है, द होल नंबर सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई लेटर W, W से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। देखिए W बराबर क्या हो गया यहाँ पर मेरा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, पहला बात नेचुरल नंबर समझ में आ गया, तो काउंटिंग की नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर। फिर आ गया आपको क्या समझ में आ गया, आपको होल नंबर समझ में आ गया, नेचुरल नंबर विथ जीरो वो आपका क्या हो गया, होल नंबर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स की बात में, बात करेंगे हम लोग इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स कहाँ गए भाई, इंटीजर्स, हाँ इंटीजर्स देखिए, देखिए इंटीजर्स, एक मिनट दोस्तों, क्या लिखा हुआ, इंटीजर आर डिफाइन एज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर, सारे ऑल नंबर विथ नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द इंटीजर सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, द सेट ऑफ इंटीजर डिफाइन एज, ये देखिए, देखिए आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर समझिए, ये पता है आपको, एक चीज़ होता है नंबर लाइन, ठीक है, एक मिनट में, एक मिनट दोस्तों मैं ज़रा इसको नोट्स खोलता हूँ। हाँ देखिए, एक चीज़ होता है नंबर लाइन, नंबर लाइन पता है आपको, इसको बोलते हैं नंबर लाइन, जहाँ बीच में क्या होता है, ज़ीरो होता है। अगर आप जीरो से इधर जाएंगे तो प्लस में मिलेगा, +1, +2, +3, +4 इस तरीके से आपको मिलते जाएगा। उधर इधर आएंगे तो आपको माइनस मिलेगा, -1, -2, -3 और इस तरीके से -4, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है इसको बोलते हैं, जो नेगेटिव्स के नंबर, इसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव इंटीजर्स है। और ये सारे जो नंबर है, ये सारे क्या आपके, ये सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये जो पूरा नेचुरल, जो ये पूरा आपका नेगेटिव और पॉजिटिव में जो पूरा आपका ग्रुप है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। सारे प्लस वाले और सारे जो नेगेटिव वाले नंबर्स है, क्या बोलेंगे हम लोग, एक साथ में इसको बोला जाता है इंटीजर्स बोला जाता है, और इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको इंटीजर्स समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए रियल नंबर, देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है -52, ये क्या है, ये भी एक इंटीजर्स है, जीरो भी इंटीजर्स होता है, -1 इंटीजर्स, 16 भी इंटीजर्स होता है, 82 भी इंटीजर्स होता है। अब देखिए रियल नंबर क्या है, रियल नंबर देखिए, रियल नंबर समझते हैं, रियल नंबर, एनी नंबर सच एज पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल्स नंबर विदआउट इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, है ना, इस पर रिप्रेजेंटेड, इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल नंबर के अंदर में क्या क्या आता है समझा जाता है आपको, यहाँ पर रियल नंबर के अंदर में क्या क्या बोला, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन नंबर और डेसिमल नंबर, मतलब समझिए इसमें क्या क्या आता है आपका, इसमें एक तो आपका आता है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर भी इसमें आता है, एक मिनट, नेगेटिव इंटीजर भी आता है, बाबा मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ यार, पॉजिटिव इंटीजर,
फिर क्या नेगेटिव इंटीजर भी आते हैं, आपके जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, ठीक है, जो फ्रैक्शन होते हैं, जैसे कि मतलब 4 बाई 5 बाई 4 के एक फ्रैक्शन है, 2 बाई 3 के फ्रैक्शन है, तो ये सारे नंबर भी क्या आते हैं, ये सारे नंबर भी आपके रियल नंबर में आते हैं। और आपके डेसिमल्स वाले नंबर जैसे कि 2.85, 2.75, ये सारे क्या आपके सारे रियल नंबर हैं, ठीक है। ये सारे क्या क्या आता है रियल नंबर के अंदर, पॉजिटिव नंबर आता है, नेगेटिव नंबर आता है, फ्रैक्शन नंबर आते हैं, मतलब 5 बाई 4, 2 बाई 3 वाले जैसे कि डेसिमल्स के नंबर आते हैं, ये सारे क्या आपके, ये सारे आपके रियल नंबर के अंदर में आते हैं, सारा मिलकर आपका क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, समझ में आ गया रियल नंबर आपको। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर रैशनल नंबर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रैशनल नंबर आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो रैशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर दैट कैन बी रिटर्न इज द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दैट इज अ रेशियो ऑफ वन नंबर ओवर अनदर नंबर इज नोन एज रैशनल नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझिए, अ रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर क्यू, तो क्या होगी, समझ में आपको नहीं आया ना, समझाते हैं, देखिए समझाते हैं, देखिए कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर एक जब और भी लिखेंगे यहाँ पर नोट करके, यहाँ पर आप नोट करके लिखेंगे, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, आपका क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बात करूँगा अब यहाँ पर, ये नोट्स पे समझाते हैं आपको हम, एक मिनट, देखिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे देखिए इसको हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या, ठीक, इसको बोला जाता है हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या, ठीक है। देखिए समझिए परिमेय संख्या क्या होती है, तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको पी बट्टा क्यू के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वेयर Q is not equal to zero, आपका Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, भले ही आपका P जीरो हो सकता है, जैसे मानिए जैसे मानते हैं वन, तो वन रैशनल, वन जो रैशनल नंबर है कि नहीं, देखिए वन को लिख सकते हैं 1/1 P अपॉन Q, है ना, P मेरा क्या है 1 है, Q मेरा क्या है 1 है, तो क्या मेरे यहाँ पर Q जीरो है, नहीं है, मतलब ये क्या 1 है, एक क्या हो जाता है मेरा, क्या हो जाता है रैशनल नंबर है, सिर्फ 2 चेक करते हैं, तो 2 नीचे वाला लिख सकते हैं ना, तो P पट्टा Q, तो 2 भी क्या मेरा एक नेचुरल रैशनल नंबर है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो Q जो है P, Q मेरा यहाँ पर 1 है, Q तो 0 नहीं, जैसे कि मतलब 4/5, तो ये भी क्या मेरा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए P बट्टा क्यू कंडीशन है कि Q बस 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर Q क्या है, पर Q 5 है, मतलब ये भी क्या मेरा, ये भी क्या एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, देखिए समझ में आ गया आपको, तो रैशनल नंबर का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे आप जीरो बात करते हैं कि जीरो आपका रैशनल नंबर है कि नहीं, एक क्वेश्चन है इज जीरो इज रैशनल बताना है आपको, तो जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं, देखिए जीरो को लिख सकते हैं क्या, जीरो बहुत लोग बोलेंगे नहीं रहे, लेकिन जीरो रैशनल नंबर होते, देखिए जीरो को लिख सकते हैं 0/1,
जीरो बट्टा दो भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जीरो बट्टा तो जीरो ही होता है। तो देखिए पी बट्टा क्यू, पी बट्टा क्यू, देखिए क्यू क्या है, वन है ना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पी बट्टा क्यू, क्यू क्या है मेरा दो है। शर्त है कि आपका क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पी जीरो हो रहा है, मतलब क्या जीरो भी क्या मेरा एक रैशनल नंबर है। समझ में आपको रैशनल नंबर का कंसेप्ट, रैशनल नंबर का मतलब होता है ऐसा संख्या जिसको हम लोग पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू मेरा क्या होना चाहिए, क्यू मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, बस इतना बात आपको समझना है रैशनल नंबर में, ठीक है। आइए अब थोड़ा हम लोग बात करेंगे रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसको हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए तो क्या यहाँ पर, देखिए पढ़िए, देखिए एनी नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बट्टा क्यू, है ना, पी बट्टा क्यू के फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं, इट इज़ अ रेशियो ऑफ वन नंबर ओवर एन अदर नंबर इज नोन एज रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई लेटर क्यू, इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए सात बट्टा एक, क्या लिखा है मैंने, सात बट्टा एक, देखिए चेक कीजिए, सेवन बट्टा वन लिखा हुआ है, पी अपॉन क्यू, पी कितना सेवन, क्यू कितना वन, तो क्या ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्यू मेरा क्या है वन है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो छोड़ जो कुछ भी हो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। जैसे दस बट्टा दो लिखा हुआ है तो पी अपॉन क्यू, क्यू मेरा कितना है दो है, मतलब ये भी मेरा क्या है रैशनल नंबर है। यहाँ पर वन बट्टा वन भी लिख सकते हैं तो ये भी क्या है पी बट्टा क्यू, मतलब ये भी मेरा रैशनल नंबर है। इनफैक्ट आपका जीरो भी जो होता है ना, जीरो वो भी आपका रैशनल नंबर होता है, ठीक है, समझ में आ गया रैशनल नंबर। अब समझिए प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर समझिए, देखिए रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब देखिए आप क्लोज्ड का मतलब समझना, एक वर्ड लिखा मैंने क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब क्या होता है समझना चाहिए आपको, यहाँ पर क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, देखिए क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब होता है कि अगर आप कोई रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो वो एक रैशनल नंबर में ही आएगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर टू अपॉन थ्री, ये एक रैशनल नंबर है, और मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया फाइव बट्टा टू, तो अब इसको ऐड कीजिए आप, तो टू बट्टा थ्री और प्लस फाइव बट्टा टू, है ना, तो एलसीएम लेंगे तो सिक्स आएगा, फोर प्लस पंद्रह तो कितना आ गया उन्नीस बट्टा सोलह आया ना, सॉरी सोलह बट्टा छः आया, तो ये मेरा क्या है, देखिए आप ये भी देखिए जो 19 बट्टा 6 आपका आया, ये पी बट्टा क्यू ये भी तो आपका एक रैशनल नंबर है ना, तो मतलब क्या दो रैशनल नंबर को जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटाएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, तो वो आपसे क्या आएगा, वो एक रैशनल नंबर के अंदर में ही आएगा, ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है, क्लोज का मतलब ये होता है। अब देखिए इट इज़ सेटिस्फाई कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, देखिए कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, समझिए देखिए देखिए कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है ना, ऑर्डर चेंज कीजिए, टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री कितना होता है आपका फाइव होता है, तो थ्री प्लस टू भी क्या होगा आपका फाइव होगा, इसका मतलब ये देखिए दोनों बराबर आया ना, हमने क्या किया ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ऑर्डर चेंज करके ऐड करेंगे या आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, वो कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है, एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, एसोसिएटिव का मतलब ये होता है, आपको समझाते हैं एसोसिएटिव मतलब क्या होता है, आप समझिए अब एसोसिएटिव का मतलब होता है जैसे जैसे वन प्लस टू प्लस थ्री है ना, तो ये कितना आएगा वन प्लस, पहले हम इन दोनों काम करेंगे तो कितना आ गया मेरा यहाँ से पाँच, और कितना आ गया ये छः आ गया, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं वन प्लस टू कीजिए पहले और बाद में थ्री कीजिए तब भी देखिए सिक्स आएगा, तो थ्री प्लस थ्री कितना आ गया सिक्स आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इसने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, ठीक है। और एक आता है इट्स अवे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड सबट्रैक्शन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी अवे करता है सबट्रैक्शन के लिए और एडिशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या मतलब होता है, मतलब बट जाना, ठीक है, क्या होना, बट जाना। जैसे ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर क्या होता है कि पी बट्टा क्यू के जो इसको लिख सकते हैं, पी बट्टा क्यू में आपका क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और इसके ये सारे प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, क्लोजर लॉ को होल्ड करेगा अंडर एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रेस्पेक्ट में। ये आपके कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इट्स अवे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ये होल्ड करता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको और कुछ बताता हूँ, और भी कुछ आगे क्या है। देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, सिंपल, जो रैशनल नहीं वो इरेशनल हो गया। इरेशनल में क्या होता है, जैसे कि आपका रूट फाइव, रूट इलेवन, रूट ट्वेंटी वन, इट इज आर इरेशनल नंबर। इस क्या मेरा इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर क्या होता है, जो रैशनल नहीं वो इरेशनल हो गया। तो इस एग्जांपल आप देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात करेंगे हम लोग क्या, देखिए अब ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं वो समझिए। जैसे यहाँ पर हाउ मैनी रैशनल नंबर बिटवीन वन एंड थ्री, सॉरी वन और फोर के बीच में कितने रैशनल नंबर है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, देखिए वन और फोर के बीच में कितने रैशनल नंबर है, तो आपको पता है ये वन है यहाँ पर, वन टू थ्री फोर। तो आप ऐसे बोलेंगे तो सर इसमें दो ही रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में नहीं होगा, ऐसा नहीं है, इन दोनों के बीच बहुत सारे रैशनल नंबर है। ये समझ आते हैं, इस सबको समझाते हैं हम, देखिए देखिए समझाते हैं। वन को वन बाय वन लिख सकते हैं, इसको आप क्या कर दीजिए, टेन से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। तो टेन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। एंड इधर क्या मेरा, इधर मेरा आपका फोर चल रहा है, तो फोर को बाई वन लिख सकते हैं, फोर बाई वन, और इसको लिख, इसको भी टेन से रैशनलाइज कर दीजिए। देखिए क्या आ गया, टेन अपॉन टेन आ गया इधर, और इधर क्या आ गया आपका 40 अपॉन 10 आ गया। तो देखिए अब 10 और 40 के बीच में कितनी संख्या, जैसे कि मैं क्या गया 11 बट्टा 11 हो जाएगा, 12 बट्टा 11 हो जाएगा, 13 बट्टा 10, सॉरी 11 बोल रहे 10 हो जाएगा, यहाँ पर 14 बट्टा 10 हो जाएगा, 15 बट्टा 10 हो जाएगा, उस तरीके से वो चलता रहेगा। तो यहाँ पर अब कितना, इतना ही नहीं आपको बता दें हम, यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत इनफाइनाइट क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। समझ में आया, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन होता है रैशनल नंबर फाइंड करना, तो बता देता हूँ कैसे फाइंड करना चाहिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इस टॉपिक में एक दो क्वेश्चन और करते हैं, तो आप नोट में लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा कि जो दो परिमेय संख्या होती है ना, उनके बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्या होती है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर और लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर और एक, फाइंड फोर रैशनल नंबर विटमीन एक 7/5 एंड 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर 7/5 और 2/3 के बीच में हमको चार रैशनल नंबर लिखने हैं, तो उसका तरीका क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर क्या आपका, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप। 7/5 है, और क्या दिया हुआ आपका, एंड दिया हुआ आपका 2/3,
ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? तो कैसे करना है, जैसे यहाँ पर 7/5 है, तो सबसे पहले आपका जो नीचे वाला होता है ना, नीचे वाला का आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो 5 का और 3 का लीजिए एलसीएम, तो पहले जाएगा 3 जा देते हैं, तो 5 आ गया, 1 आ गया, फिर 3 से देंगे तो सॉरी पहले 5 से देंगे, उसके बाद ना 5 से देंगे तो 1 आ गया, तो एलसीएम मेरा कितना आ गया, 15 आ गया, 3 5 15। तो यहाँ पर आप लिखिए, क्या लिखेंगे आप, देखिए समझिए, 15 आ गया एलसीएम। तो अब आपको क्या करना, नीचे आपको 15 बनाना है, नीचे आपको 15 बनाना है, तो रैशनलाइज कीजिए। आप देखिए 7/5 है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे जो है मेरा वो 15 बन जाए, 3 से, तो 3 से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखिए एंड, अब देखिए 2/3 है, यहाँ पर भी नीचे आपको क्या बनाना है, 15 बनाना है, तो क्या करेंगे, ये 15 हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे दोनों जगह, तो क्या आ गया, 3 7 21 आ गया, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 आ गया, और 10 आ गया, और मेरा कितना आ गया यहाँ से, मेरा 15 आ गया। तो देखिए अब आपको इसके पीछे परिमेय संख्या लिखनी है, तो आप लिख सकते हैं 10, 4 बोला है ना, तो ये एक जगह 11/15 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, 12/15 हो जाएगा उस तरीके से, आप लिख सकते हैं यहाँ पर आपका 13/15 हो जाएगा, और एक 14/15 हो जाएगा, ठीक, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? तो इस तरीके से जो बीच में इसका परिमेय संख्या निकाल, जैसे आप 10/15 और 21/15 के बीच में आपको लिखना परिमेय संख्या, तो क्या आ जाएगा, 11/15 आएगा ना, 11/15 आ जाएगा, 12/15 आ जाएगा, 13/15 आ जाएगा, ठीक है, 14/15 आ जाएगा, उस तरीके से आप लिख सकते हैं 4, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दिया हूँ, यहाँ पर लिख सकते थे आप इसको 2/3 एंड 7/5 लिख सकते, ठीक है, उल्टा लिखा गया थोड़ा सा, तो ये क्वेश्चन ऐसा लग सकता था। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपका पहले आएगा ये 10/15, फिर आपका 21/15 आएगा, तब आप इस लिख सकते हैं आराम से 10, 4 जो है वो रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, कैसे आपको परिमेय संख्या निकालना है दो परिमेय संख्या के बीच में, ठीक है। अब देखिए इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इससे पहले वाले एग्ज़ाम में, चलिए इसमें एक क्वेश्चन हम और करा देते, फिर आपको चला बताएंगे, इसमें एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इसी टॉपिक में। देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, चलिए अब लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं 2/3 लेते हैं, एंड मान लेते हैं 5/4 लेते हैं। तो अब क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है, मान लेते हम बोल दिया पर 5 निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे आप, 5 या फिर चलिए 3 निकालना है, ऐसे कुछ ही बोल दिए, ठीक है। तो देखिए आप क्या कीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाला का एलसीएम लेना आपको। तो नीचे वाला में क्या है, 3 है और 4 है, पता है आपको 12 आने वाला है ना, क्या आएगा, 12 आएगा एलसीएम लेके देख लीजिएगा। तो एलसीएम 12 आएगा, तो नीचे हम क्या बनाना, 12 बनाना है, तो नीचे 12 कैसे बनेगा भाई, है ना। देखिए आप 2/3 है, नीचे बनाना है 12, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे 12 बन जाएगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 से, 4 3 12, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, एंड आपका क्या है मेरा यहाँ पर, एंड 5/4 है। इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपको नीचे हमको बताना है 12, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 से इसको ऊपर नीचे कर देते हैं क्या, मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ रहा है मेरे यहाँ से, 12/8 सॉरी, और यहाँ पर क्या मेरा आएगा, 15/12। तो अब 8/12 से लेकर 15/12 के बीच में कोई 3 को बोला है कि परिमेय संख्या निकलेगी, तो लिख दीजिए क्या आ जाएगा, एक 9/12 आएगा, एक आपका
10/12 आएगा, 11/12 आएगा, उस तरीके से आप बहुत सारा लिख सकते हैं। 3 पूछा 3 लिखिए, 5 पूछा तो 5 लिखिए, ठीक, उस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये से आपको निकालना है किसी परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या, ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए, आई होप आपकी बातें आपको समझ में आ रही है। अब देखिए, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा देता हूँ, ठीक है, ये रहा। देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, वो इस टॉपिक से मिलती, इस टॉपिक से है जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, और ये आप एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं आप किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। बोल रहा है इन बिटवीन एनी टू नंबर देयर इज आर, तो दो नंबर के बीच में क्या होता है, क्या होता है, ऑप्शन पढ़िए क्या होता है। ओनली वन रैशनल नंबर, क्या दो नंबर के बीच में सिर्फ एक रैशनल नंबर होता है? नहीं, गलत। एक मिनट आ जा भाई। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी जो है सारा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टू रैशनल नंबर गलत, दो रैशनल नंबर नहीं होता, जो दो से ज़्यादा होता है इनफाइनाइट होता है, नो रैशनल नंबर रैशनल नंबर होता ही नहीं है, तो और भी गलत है। तो ऐसा मेरा क्या आ गया, बी आ गया, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है दो नंबर के बीच में, ठीक है। चलिए, थोड़ा ऊपर चलने की कोशिश करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर टू में। एवरी रैशनल नंबर इज अ, जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, क्या वो होल नंबर होते हैं, सारा रैशनल नंबर होल नंबर होता है? तो होल नंबर क्या होता है मेरा, समझिए, होल नंबर मेरा क्या, होल नंबर मैंने क्या बताया आपको, होल नंबर मैंने बताया आपको जो जीरो से शुरू होता है, 0, 1, 2 इस तरीके से। रियल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले, अथवा डेसिमल वाला भी, और नेचुरल नंबर। तो समझिए क्या है, बोला है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ, क्या होल नंबर होगा? देखिए, होल नंबर अगर हम बात करेंगे, होल नंबर की बात किया ना, देखिए टू बट्टा थ्री, ये क्या होल नंबर है? नहीं है ना, तो होल नंबर तो नहीं होगा। एवरी रैशनल नंबर होल नंबर होता है? नहीं भैया, एवरी होल नंबर रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज क्या होगा, होल नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि टू बट्टा थ्री क्या है, एक रैशनल नंबर, लेकिन क्या होल नंबर नहीं है। उसी तरीके से रियल नंबर, हाँ रियल नंबर होगा, इसका क्या आंसर होगा, रियल नंबर, ठीक है। इंटीजर्स, ठीक है, तो ये तो इंटीजर्स भी आप बोल सकते कि नहीं है, नेचुरल नंबर, तो ये तो और भी, तो ये नेचुरल नंबर है ही नहीं, 2/3, तो रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर मैंने क्या बताया, उसमें फ्रैक्शन वाला नंबर भी आ जाएगा, डेसिमल भी आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर भी आएगा, नेगेटिव इंटीजर भी सब आएगा इसमें अंदर, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है, रूट थ्री इज़ अ नंबर, रूट थ्री क्या, डेस्ट नंबर है, रैशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल है, रैशनल है, नाइदर रैशनल नॉर इरेशनल, नॉन ऑफ एबव, ठीक है। तो क्या है इसमें, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो रूट नाइन है, बहुत बच्चे रूट देख के बोल देंगे कि सर ये इरेशनल नंबर है, लेकिन नहीं बाबू, रूट नाइन है ना, तो रूट थ्री भले ही आपका इरेशनल हो, लेकिन देखिए रूट देख के आप मत बोलिए कि वो इरेशनल या रैशनल है, लेकिन रूट नाइन का वैल्यू क्या होता है बाबू, रूट थ्री इंटू थ्री लिख सकता है रूट नाइन को ना, तो क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा ना, तो थ्री क्या है, एक थ्री रैशनल नंबर है ना, 3/1 लिख सकते हैं, 3/1, तो पी अपॉन क्यू है ना, तो यहाँ पर देखिए क्यू मेरा क्या है, 0 नहीं है, तो मतलब क्या, एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया, अब बोलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है मेरा,